देखे लक्ष्मी अवतार, लक्ष्मी जी का दर्शन कीजिए आप लोग। अहो भाग्य से आई है, निहाल कर रही है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग मिलके इनको आशीर्वाद दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए हमारे चितानंद स्वामी जी महाराज अपने से इस बच्ची को प्रसाद पान करा रहे हैं। बोले चितानंद स्वामी जी महाराज की जय। इस पोती के दादा दादी की जय। इस पोती के नाना नानी की जय। इस पोते के माता पिता की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त ग्राम वासियों की जय। देखिए इनके नाना कितने भागशाली हैं। अरे इनके नाना जी से आग्रह है, आप आइए माई के पास। क्यों आप चुपचाप बैठे हुए हैं? विचार कीजिए। लोग कहते हैं यहाँ कौन आते, लेकिन स्वर्ग से ये बच्ची आई है। इनके नाना जी कहाँ हैं? और दादाजी दोनों आदमी आइए, इस बच्ची का आशीर्वाद दीजिए। देखिए गंगा के किनारे वाले महात्मा है, कुर्सेला से आए हैं। कौन थोड़ा ये शंकर बाबू है। और देखिए यही शंकर बाबू हैं। बोले शंकर बाबू की जय। इनके नतनी की दादा। अरे इनके दादा श्री नहीं आ रहे। संजय बाबू आइए, आप बड़े भागशाली महापुरुष हैं, किसी जन्म के महात्मा हैं, आप साधु हैं। आपको पता नहीं है, जान लीजिए आप गोकुल नगर के महात्मा हैं, भगवान कृष्ण के दोस्त रहे होंगे। आ भजन में कहता है छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल। ऐसे गोपाल के आप दोस्त हैं शंकर बाबू, इसके बाद श्रीदेव बाबू। लक्ष्मी अवतार हुआ है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखे इनके नानी का दादी का नाम है उमा देवी भगवान। देखे इन्हीं के गोद में बच्ची खुश हो रही है। देखे दादा को खोजा जा रहा है, अभी यही खजाना लुटाएंगे। बोलिए श्रीदेव बाबू की। देखिए बड़े लंबे आदमी हैं, देखिए ये कैसे महात्मा हैं, ये भगवान की सखा हैं, इसी जदवंशी में आए हैं हमारे। कहा है श्रीदेव बाबू और शंकर बाबू। हकीकत में बच्ची कहते हैं स्वर्ग से आई है, इसलिए सुंदर का मकाम करा रही है। जो कहते हैं
सत्संग सबसे सुंदर काम है जो इस देखिए यहाँ हो रहा है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सब लोग उनके आशीर्वाद दीजिए। हम लोग पता नहीं था, लगता है इस बच्ची के कृपा से लेके हम लड्डू मिठाई पेड़ा रखा हुआ है, लगता है यही हम लोग को मिलेगा क्या। देखिए इन्हीं के कृपा से हो रहा है। सरदार बाबू देखे कैसे तंदुरुस्त भीम से हैं, ये भी भगवान कृष्ण के दोष हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सब लोग थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत हो जाएगा। कहा जाता है कि हमारे शंकर बाबू हैं और श्रीदेव बाबू हैं, ये सखा थे। तो जब इन लोग उस काल में दुबरा रहे थे, भगवान कृष्ण पूछते हैं, भाई आप लोग क्यों दुबरा रहे हैं। बोले टोटल मक्खन मिश्री जो है ये कंस मामा कंस के पास चला जाता है, इसलिए मैं उपाय बताए चोरी करने के लिए। ये दोनों नटखट चोर के साथ चोरी करते थे। वो नहीं साहब का मक्खन ऐसे बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। इसके पिताश्री किधर हैं? ये बच्ची के देखे इनके पिताश्री कितने खुश हैं। ये जो है देखे इस बच्ची का फोटो ले रहे हैं बेटा, इधर से किधर देखो। इनकी माँ किधर हैं? देखे माँ साक्षात जो है पता नहीं यशोदा जी के तरह है क्या। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। माता सीता की मातृ सुनैना माँ ही सुनैना माँ खड़ी है। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बड़ा भाग अच्छा है। देखिए हम चित्तानंद जी महाराज के कारण आए आप सबों का दर्शन कर रहे हैं। देखिए दादी आई है ढेर खिलाने के लिए। हाँ देखिए कितना दादी का इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ हाँ ये लक्ष्मी माता के रूप में आई है, नहीं कहते थे लेकर जन्म पिता के घर में देनी पड़ी विदाई। हाय विधाता फिर जो तूने नारी देह बनाई, रो रही है। हाँ तम दर्शन हुआ है, आखिर विदाई देना ही पड़ेगा, बेटी का उपाय नहीं है। बाईस साल तक थूक ले लीजिए फिर ये घर छोड़ के अयोध्या नगरी जाएगी। खिलाना खिला दीजिए इस बच्ची को। जरा जरा सा इनके मामा आए हैं क्या? अरे कजन के मामा हैं, किधर पीछे पड़े हमको अभी तक पते नहीं था। क्या नाम है मामा का? कनक कनक कनक। अरे जनक बाबू आए हैं देखे शंकर बाबू के पीछे पीछे। नहीं नहीं कंस मामा वो नहीं है, ये कनक बाबू हैं, सोने के तरह चमक रहे हैं, लगता है सोना लुटाएंगे जरूर कुछ ना कुछ। आइए कनक बाबू बताने छोटे हैं। हमारे कनक बाबू की जय। आइए कनक बाबू इसे पोती के समस्त ग्राम वासियों की, इस पोती के जितने दादी हुए हैं आई है सब की जय। ये देखिए कैसे देख रही है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस सुंदरता। जैसे दादी की गोदी को कितना शोभा बढ़ा रही है। देखो हम भी जरा एक चम्मच का नाम इनके फुआ जी भी आई हैं। फुआ फुआ दादी कैसे हैं?